बैक टू द चैनल, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 15 लेक्चर को देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट क्लासिफिकेशन और डिफेक्ट मैनेजमेंट को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इधर आपकी एग्ज़ाम अगर थ्योरी पेपर होती है या फिर ऑनलाइन पेपर होती है, दोनों केसेस में आपके जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टिप बता देता हूँ कि आपकी पेपर थ्योरी हो या फिर ऑनलाइन हो, एमसीक्यू बेस्ड हो, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कॉन्सेप्ट्स पे अपने। एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके इसी टॉपिक्स आएंगे, थ्योरी क्वेश्चन भी आपके इसी टॉपिक्स आएंगे। आपको ये ध्यान देना है कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या, और कॉन्सेप्ट को समझ के लेना सबसे पहले। कुछ भी डाउट होगा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो या फिर नीचे कमेंट में पूछो, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिफेक्ट होता क्या है। डिफेक्ट को अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के को साइड भी कर दें और डिफेक्ट को अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, तो डिफेक्ट क्या होता है? कोई भी एरर, कोई भी बग। हम कुछ चीज़ें मार्केट से लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं डिफेक्टिव पीस है ये। कोई सेल फोन लिया हमने, कोई लैपटॉप लिया, हम उसको बोलते हैं डिफेक्टिव पीस। इसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, मतलब डिफेक्टिव पीस है। डिफेक्टिव का सिंपल मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट परफॉर्म नहीं करती हैं। ठीक है, आपने कोई चीज़ ली है, कीबोर्ड लिया है, कीबोर्ड के कुछ बटन्स काम नहीं कर रहे तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, तो वो आपके लिए डिफेक्टिव पीस है। तो एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी डिफेक्ट का सेम मतलब होता है। जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अगर यूज़र रिक्वायरमेंट पे बेस नहीं होता, यूज़र रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता, तो वो एक यूज़र के लिए और हमारे लिए डिफेक्ट का डिफेक्टिव पीस हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ क्या है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो। डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ वेरिएशन और डेविएशन इन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स और ओरिजिनल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। अ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट इज एन एरर इन कोडिंग विच कॉज इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच डज नॉट मीट एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं वो पूरा प्रोग्रामिंग से बनाते हैं, पूरी कोडिंग से बनाते हैं। तो जब भी कोडिंग में कोई एरर आ गई, कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से जो चीज़ अराइज होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, डिफेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिफेक्ट मैनेजमेंट भी हम आगे पढ़ेंगे। देखो डिफेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है कि डिफेक्ट बहुत तरीके के होते हैं। हमारे रियल लाइफ के अगर एग्जांपल लो आप, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं हमारी लाइफ में जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बहुत टाइम ऐसा होता है, जैसे मेरा कुछ दिन पहले लैपटॉप ख़राब था, तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कम से कम पूरे दिन में 8 से 9 घंटा जिसे लैपटॉप पे काम होता है। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे जिनके पास लैपटॉप है भी नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से कि तो लैपटॉप का जो मेरे लाइफ में रोल है वो काफ़ी अर्जेंट है। अगर मेरी लैपटॉप आज ख़राब हुई तो मेरे को आज के आज उसको बना के लेना पड़ेगा या फिर मुझे नया लेना पड़ेगा। बट मेरे लाइफ में अगर फ़ोन, मेरा सेलफोन ख़राब हो जाता तो मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा काम मैक्सिमम लैपटॉप पे होता है। तो डिफेक्ट की भी क्लासिफिकेशन ऐसे ही होती है, प्रायोरिटाइज किया जाता है डिफेक्ट को। डिफेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है कि सबसे अर्जेंट बेसिस पे किस डिफेक्ट को करेक्ट करना है या किस डिफेक्ट को आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो, जो नॉमिनल सा डिफेक्ट है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट क्लासिफिकेशन। डिफेक्ट को मैं डिफाइन कर देता हूँ एक बार। डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड फ्रॉम द क्वालिटी एश्योरेंस टीम पर्सपेक्टिव एज प्रायोरिटी एंड फ्रॉम द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव एज सेवरिटी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड टू फिक्स इट। दीज आर टू मेजर क्लासिफिकेशन दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टाइम फ्रेम एंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट गो इन टू द फिक्स डिफेक्ट्स। वॉट इज प्रायोरिटी? प्रायोरिटी इज डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच डिफेक्ट शुड बी रिजॉल्व। प्रायोरिटी हम उसको देते हैं उस ऑर्डर में कि डिफेक्ट को कितनी जल्दी हमें ठीक करना है। ठीक है, एक कभी कभी रियल लाइफ में आप चीज़ें बोलते हो यार कि हमारे पास, हमारे एग्ज़ाम्स जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी मुझे बहुत सारे DM आते हैं, बहुत सारे WhatsApp मैसेज आते हैं कि सर प्लीज़ जल्दी हमें बुक्स प्रोवाइड करो, MCQ के नोट्स प्रोवाइड करो, हमारे एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, बहुत अर्जेंट है। एक हो गया, अगर एग्ज़ाम आपके 2 महीने बाद होते तो आप इतनी ज़्यादा टेंस नहीं होते, आप मुझे कभी मैसेज करते भी नहीं कि यार हाँ, क्योंकि आपको पता था कि यार 2 महीने बाद एग्ज़ाम है तो हम 2 महीने बाद ही सर से पूछेंगे। तो ये चीज़ें, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डिफेक्ट की प्रायोरिटी होती है कि कौन सा डिफेक्ट को पहले सॉल्व करना है, कौन सा डिफेक्ट को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। तो डिफेक्ट की जो प्रायोरिटी होती है वैसे तो लो, मीडियम, हाई, अर्जेंट। लो प्रायोरिटी में आपको वर्ड से ही समझ में आएगा कि लो प्रायोरिटी ऐसी है कि हाँ यार इसको इग्नोर किया जा सकता है। देन मीडियम प्रायोरिटी होती है कि हाँ उसकी ज़रूरत है बट वो मीडियम लेवल पे। देन हाई प्रायोरिटी कि इसको तुरंत सॉल्व करना बहुत ज़रूरी। देख, एक होता है अर्जेंट, अर्जेंट में आपको मतलब फटाफट उसको सॉल्व करके ही लेना है जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। इसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी डेफिनेशन और प्रायोरिटी लिस्टिंग।
इसकी बात आता है डिफेक्ट मैनेजमेंट। डिफेक्ट मैनेजमेंट यार वर्ड से समझ में आ रहा है कि डिफेक्ट मैनेजमेंट ऐसी चीज, ऐसी टेक्निक, ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने डिफेक्ट्स को मैनेज करते हैं। तो मैं एक बार डेफिनेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ। डिफेक्ट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स बग्स। डिफेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफेक्ट्स को और या फिर बग्स को फाइंड आउट करते हैं और उसको फिक्स करते हैं, ठीक करते हैं। ए डिफेक्ट मैनेजमेंट साइकिल कंटेन्स द फॉलोइंग स्टेजेस। डिफेक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें ये सारे स्टेजेस होते हैं, 6 स्टेज होते हैं पूरे कंप्लीट। स्क्रीन पे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा और साइड में पॉइंट्स भी दिख रहे हैं कौन से 6 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है डिस्कवरी ऑफ डिफेक्ट, दूसरा होता है डिफेक्ट कैटेगराइजेशन, तीसरा होता है फिक्सिंग ऑफ डिफेक्ट्स बाय डेवलपर, फोर्थ होता है वेरिफिकेशन बाय टेस्टर्स, फिफ्थ होता है डिफेक्ट क्लोजर, सिक्स होता है डिफेक्ट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ। पहले डिस्कवरी ऑफ डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट को फाइंड आउट करना, सबसे पहला डिफेक्ट को पकड़ना। जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को लिया, आपको डिफेक्ट मिलता है, यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ डिफेक्ट में हम डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर डिफेक्ट है। उसके बाद डिफेक्ट को कैटेगराइज करते हैं, किस टाइप का डिफेक्ट है, फंक्शनल डिफेक्ट है, नॉन फंक्शनल डिफेक्ट है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आई, यूज़र इंटरफेस में प्रॉब्लम आई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिक्सिंग ऑफ डिफेक्ट बाय डेवलपर, उसके बाद जो डिफेक्ट होती है वो डेवलपर टीम के पास जाती है और वो उनको फिक्स करके देते हैं कि हाँ भैया इस डिफेक्ट को फिक्स करके हमें दो। उसके बाद वेरिफिकेशन होती है टेस्टर की, फिर से टेस्टर का रोल आता है। टेस्टर का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देखते हो कि मैक्सिमम इंजीनियरिंग जॉब आपको टेस्टर की मिलती है क्योंकि टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। तो फिर वो वेरिफिकेशन होता है टेस्टिंग टीम से। फिर डिफेक्ट डिस्क्लोजर, मतलब डिफेक्ट को क्लोज किया जाता है। डिफेक्ट की टेस्टिंग टीम ने अगर बोल दे कि हाँ भैया डिफेक्ट बंद हो चुका है, डिफेक्ट को हम फिक्स कर चुके, तो डिफेक्ट का क्लोजर होता है, मतलब डिफेक्ट को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद लास्ट होता है डिफेक्ट रिपोर्ट्स। डिफेक्ट रिपोर्ट को तैयार किया जाता है कि कैसा डिफेक्ट था, क्या चीज़ें थी डिफेक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें हम इसमें तैयार करते। तो ये होता है डिफेक्ट मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल। अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा, 100% एग्ज़ाम में आएगा आपके एग्ज़ाम में। और अगर आप ऑनलाइन पेपर भी दोगे तो इससे रिलेटेड आपके MCQ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता देना कि आपको कौन सी टॉपिक समझ में नहीं आई है। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करो, कॉलेज के ग्रुप में उस वीडियो को फैला दो ताकि लॉकडाउन में भी सारे बच्चों को अच्छे कॉन्टेंट और उनको टाइम टू टाइम MSBT डिप्लोमा के सिलेबस की कॉन्टेंट मिलते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।